Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Saviour Jesus Christ. So today we are going to meditate more about the cross. So cross is the practical experience in our life. So if you believe in your life you are applying the message, the power, the revelation inside the cross Your life will be changed. So, अगर आप विश्वास करते हैं की उस क्रूज के द्वारा जो भी आपको संदेश मिल रहा है, या जो आपको मिलता है आप जब उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो आप प्राप्त करते हैं ग्रेट प्लेस ऑफ ब्रेक थ्रू और क्रूज वो जगह है जहाँ आपके सारे बंधन खुलते हैं द ग्रेट स्प्रिचुअल ब्रेक थ्रू एक आत्मिक बदलाव की शुरुआत सो इफ यू आर बिलीविंग एंड रिसीविंग द स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ योर लाइफ विल बी चेंज इसलिए अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके जीवन में भी एक आत्मिक बदलाव आएगा तो आप उस बदलाव को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे सो ऑन द क्रॉस जीसस मेड अस न्यू और उस क्रूज पर यीशु ने हमें नया किया। took all our old उसने हमारी सारी पुरानी चीजों को ले लिया। सो नव यू आर न्यू और अब आप नए हैं। नव यू आर ब्रांड न्यू और आप बिल्कुल ही नए है मैसेज ऑफ द क्रॉस और यही तो उस क्रूज का संदेश है सो इफ यू आर प्रैक्टिकली अप्लाइंग दिस ग्रेट रेवल्यूशन ज और अगर आप इस व्यवहारिक बात को अपने जीवन पर एक प्रकाशन को पाने के बाद उसे अपने जीवन में अनुभव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उतारते हैं तो आपके जीवन में आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखें ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन अवर लाइफ सो वो क्रूज जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमारा जीवन अद्भुत मोड़ लेता है सो क्रॉस इज द प्लेस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है स्थान है जहाँ हमारा जीवन अद्भुत रीति से रूपांतरित होता है so God, heart, और अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से बहुत ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं तो आप निश्चय ही अपने जीवन में उस बदलाव को देखेंगे और वहां निश्चय जाने एक आशा है क्रॉस इज द्लेस होप वो क्रूज जो है हाउ मच यू आर बिलीविंग द क्रॉस विद यर होल हॉट यूर होल माइंड वॉट जीसस ऑलरेडी डन फॉर यू यू विल रिसीव द मिराक्स एंड द माइटी वंडरफुल थिंग्स इन यूर लाइफ आप जितने अधिक विश्वास और आशा के साथ इस बात को मान लेते हैं या अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए ये चीज़ें की हैं या ये बातें की हैं आप उतने ही अद्भुत रीति से अपने जीवन में उन तमाम कर्मों को ग्रहण करोगे Please prepare your heart right now. अपने हृदय को तैयार करें. The Holy Spirit want to speak to you. वो पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं. Because the Word of God is full of revelation. क्योंकि प्रकाशन से भरा हुआ होता है परमेश्वर का वचन. Every word is full of prophecy. और हर एक वचन भविष्यवक्ताई की बातों से भरपूर है. That will change you. वो आपको बदल देगा. Your family is going to be changed today. आपका परिवार आज बदल जाएगा. So in your family, all of your family members will worship the Lord. और आपके परिवार में प्रत्येक सदस्य उस परमेश्वर की आराधना करेगा ऑल द फैमिली members विल कम इन टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रत्येक परिवार का सदस्य यीशु मसीह की उपस्थिति में आएगा। That इज द पावर ऑफ द क्रॉस और ये उस क्रूस का सामर्थ्य है। इफ यू बिलीव अगर आप विश्वास are बिलीविंग ऑन द क्रॉस

आपके घर में पहुंच जाएंगे ऑल ऑफ यू रीड आप में से हर एक प्रार्थना में 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 और वचन पढ़ने घर अपना वक्त आपके प्रत्येक संतान परमेश्वर बढ़ेंगे और आपके बच्चों पर वो महान शांति उतरेगी क्रॉस इज द ग्रेट प्लेस ऑफ होप एंड ब्लेसिंग फॉर यू वो क्रूज जो है वो बहुत बड़ी आशा और आशीष का स्थान है आपके

किसी भी बात के लिए जो मुझ में है मैं घमंड नहीं करता आई विल ओनली बोस्ट ऑल दिल बोस्ट ओनली मैं केवल एक ही बात पर घमंड करता हूँ और वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस. क्रूज दू थिंग्स मैं यहाँ पर दो बातों का जिक्र है दिंग्स वी शुड नॉट डू एक जो हमें नहीं करना है दिंग्स वी शुड डू दूसरा जो हमें करना है वॉट आर दिंग्स वी शुड नॉट डू वो बातें जो हमें नहीं करनी है क्या वी शुड नॉट बोस्ट अवर फ्लश द द द बोस्ट प्रॉब्लम सिचुएशन मोर इन डिटेल्स हमें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना है ना ही हमारी परिस्थितियों पर ना ही उस अवस्था में जिस अवस्था में हम हैं, इनमें से किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना यू शुड नॉट बोस्ट अबाउट एनी थिंग यू शुड नॉट टॉक अबाउट एनी थिंग ऑफ यूर negative things failure sickness no more any kind of the और ना ही किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को सोच को भावनाओं को आपकी विषम परिस्थितियों को हमें इन बातों के विषय में भी बात नहीं करनी है ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू बोस्ट ऑलवेज द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट और निरंतर केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूज पर ही घमंड करें ऑन द क्रॉस क्रूज पर जीसस ब्लेस्ड मी यीशु मुझे आशीष थ्रू द क्रॉस उस क्रूस के जरिए आई रिसीव्ड ऑल द ब्लेसिंग मैंने सारी आशीषों को पाया थ्रू द क्रॉस उस क्रूस के जरिए माय आर गॉन मेरी बीमारियां चली गई थ्रू द क्रॉस उस क्रूस के जरिए आई रिसीव्ड अ न्यू लाइफ मैंने एक नया जीवन पाया थ्रू द क्रॉस उस क्रूस के जरिए द विजडम एंड द नॉलेज केम अपॉन मी बुद्धिमंता और समझदारी की बातें मुझ में आई थ्रू द क्रॉस उस क्रूस के जरिए द लॉर्ड रिस्टोर माय फैमिली परमेश्वर ने मेरे परिवार को फिर से संगठित किया थ्रू द क्रॉस क्रूस के आई एम ग्रोइंग मोर इन माय स्पिरिचुअल लाइफ मैं अपने आत्मिक जीवन में और बढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग द बाइबल मोर और वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहा हूं मोर पर्सनली मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना और कर रहा हूं थ्रू द क्रॉस क्रॉस के जरिए जीसस क्राइस्ट डोलिंग इन माय हार्ट एंड माइंड वो यीशु मसीह मेरे शरीर और मेरे मन में निवास करता है अनु आई एम ए न्यू क्रिएशन और अब मैं एक नई सृष्टि हूँ थ्रू द क्रॉस These things should be in, in your mind and heart all the time. Hereafter, I will not talk about my old sickness anymore. I will not think about the past thing, the fight happened between me and someone in the family. I will not talk about the negative thing about my husband, what he done. I will not talk about my wife.

और वो संसार मेरे पीछे है। he will all my need. वो मेरी हर एक जरूरत आई विल नॉट वरी अबाउट माई फ्यूचर मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचने की आई विल नॉट वोरी अबाउट टूमारो मुझे कल के विषय में सोचने की जरूरत बिकॉज ही इज माई प्रोवाइडर क्योंकि वो मेरा सब कुछ पूरा करने वाला थ्रू द क्रॉस उस क्रूज के जरिए द न्यू वे ऑफ लिविंग ओपन फॉर मी मेरे लिए जीवन जीने का एक नया रास्ता खुल गया थ्रू द क्रॉस उस क्रूज के जरिए आई एम एंट्रेड मैं अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता हूँ। The cross has given me the new life। उस क्रूस ने मुझे एक नया जीवन दिया है। Jesus died। यीशु मरे। I am living। मैं जीवित हूँ। Jesus died। यीशु मरे। I am living। मैं जीवित हूँ। Because Jesus is live for evermore। ताकि यीशु निरंतर और बहुत आयत्ता के साथ जीवित रहे। The one time he died for me। वो मेरे लिए एक बार मरा। He will never die anymore। अब वो कभी मृत को नहीं देखेगा आई विल ओल्ड लाइफ एनी मोर और मैं भी अब अपने जीवन की बढ़ूंगा बोस्ट द क्रॉस ऑल द टाइम इन यूर लाइफ और इसीलिए आपको अपने जीवन में निरंतर उस क्रूज पर घमंड करना चाहिए सो अनदर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स द सेम वर्ड गिक्स फोर्टीन और फिर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम उसी वचन में वापस जाएंगे और इसी वचन का दूसरा हिस्सा बताता है बिकॉज ऑफ द क्रॉस क्योंकि उस क्रूस के द्वारा माई ओन इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड हैज क्रूसीफाइड मेरी खुद की वो बातें जो सांसारिकता से जुड़ी हुई थी वो क्रूस पर टांग दी गई माई ओन इंटरेस्ट मेरी खुद की द फ्लश वो शरीर My own thought, meri khud ki soch, my own thinking, meri khud ki samaj, crucified. crucified.

choices मेरी खुद की my own interest मेरी खुद की पसंद everything is crucified हर एक चीज को क्रूस पर डाल दिया on the cross उस क्रूस पर another thing दूसरी बात my interest crucified on the cross मेरी जो चाहत थी वो उस क्रूस पर डाल दी गई the second the second thing दूसरी बात the world interest about me और संसार की जो वो बातें जो मुझ में दिलचस्पी दिखा रहे थी डिफरेंस टू लाइफ दो तरह की thinking, एक हमारी सोच द वेरली काइंड ऑफ ए वेली यूज थिंग दर्ल्ड डिस और एक तरह की ऐसी जिंदगी जो हम संसार की इच्छाओं के साथ जीते हैं वेरली इंटरेस्ट वर्ल्स इंटरेस्ट और संसार की इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो क्या है द डेविल शैतान द संसार शैतान की सोच ऑल टाइम वांट टू वो हमेशा हमें गलत करने पर तैयार करता through है। the sin. पाप के जरिए थ्रू पाप के जरिए दिस इज इंटरेस्ट और यही तो शैतान की इच्छा है। That is, will be automatically happen. और ये चीजें स्वयं हो जाती है इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द लॉर्ड अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं बाइबल रेगुलरली और अगर आप लगातार वचन नहीं पढ़ रहे हैं। एवरी डे रोज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वेल्स इंटरेस्ट विल increase इन in your लाइफ सो आपके जीवन में संसारिक इच्छाएं बढ़ने लगेंगी The well sinful विल कम come inside your माइंड संसार की पाप से भरी सोच आपके दिमाग पर कब्जा करेंगी। Today। आज दैट also crucified ऑन द क्रॉस वो भी उस क्रूज पर टांग दिया गया दिस आप में से कितने विश्वास करते हैं? My इंटरेस्ट crucified। मेरी इच्छाएं उस क्रूज पर My इंटरेस्ट इन in this This well, about this well, the crucified. इस संसार से जुड़ी मेरी इच्छाएं संसार की वो इच्छाएं जो मुझे परेशान करती है वो भी उस क्रूज पर है नो यू आर गोइंग टू लीव ओनली फॉर जीसस और अब आप केवल ये शु के लिए जियेगे सो माई इंटरेस्ट माई डिस ऑलरेडी क्रूसिफाइड और मेरी इच्छाएं और मेरी सारी चाहते वो क्रूज पर डाल दी गई हैं। नाउ आई कैन डू ओनली द गॉड्स desire। और मैं अब केवल उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। How many ऑफ यू happy टू डू द गॉड्स desire? और आप में से कितने आनंदित है उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके बिकॉज़ यू विल नॉट कंट्रोल बाय योरसेल्फ क्योंकि आप अपने द्वारा अनुशासित नहीं होंगे जीसस विल कंट्रोल यू वो परमेश्वर आप पर अधिकार लेगा जीसस ही विल स्पीक टू यू वो यीशु आपसे बात करेगा अकॉर्डिंग टू सम 328

पाप में जीवन के साथ लड़ाई लड़ते रहे टुडे ऑन द क्रॉस क्रूस पर, Christ, वो उसने रक्त बहाया और मर गया न्यू डोर न्यू वे फॉर यू उसने एक नया रास्ता और नया दरवाजा खोला आपके। चेंज योर वे अपने रास्ते को बदल गी वे परमेश्वर के रास्ते पर आ जाए नॉट लीन ऑन जीवन जीना बंद करें इफ यू आर लीनिंग ऑन ये

पाप से भरे हुए रास्ते की ओर ले जाएगी बट आई एम हैविंग अनदर वे लेकिन मेरे पास एक दूसरा रास्ता कम इन टू द न्यू लाइफ नए जीवन में आए टुडे आई ओपन द न्यू वे फॉर यू मैं आज तुम्हारे लिए एक नए रास्ते को खोलता हूं हाय ओपन द न्यू वे फॉर यू मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलता हूं द न्यू लाइफ एक नया जिंदगी थ्रू माय ब्रोकन बॉडी मेरे टूटे हुए शरीर के जरिए यू कैन एंटर इनटू द न्यू लाइफ आप उस नए जीवन में प्रवेश करेंगे फुल ऑफ लाइफ ओ जिंदगी से भरी हुई माय वेस आर फुल ऑफ लाइफ मेरे रास्ते जिंदगी से भरे हुए हैं फुल ऑफ भरे हुए हैं। आप परमेश्वर के तरीके से का आनंद ले पाएंगे। आज आप अंगीकार करें। एक निर्णय माई ओन इंटरेस्ट मेरी खुद की इच्छाएं इन दिस वर्ल्ड इस संसार में वो क्रूस पर है। आई विल नॉट फ्यूचर मुझे अपने भविष्य के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं विल नॉट वो अबाउट द वैरलीड्स ऑफ मनी एनिमो मुझे अब सांसारिक रूप से पैसों की जरूरत पर विचार करने की आवश्यकता नहीं जीसस इज द न्यू वे फॉर मी वो लिए नया रास्ता Through है। थ्रू क्रूस के आई एम ब्लस रिचली और मैं बहुत आयत से आशीषित हूं हूँ थ्रू द क्रॉस क्रूस के जीसस टू कॉल माइ इन्फॉर्मेटिव अपॉन हिम मेरी सारी ताओ को उसने अपने ऊपर ले लिया थ्रू द क्रॉस क्रूस के जरिए जीसस मेड मी रिच मुझे धनी बनाया हॉल माई पॉवर्टी मेरी सारी निर्धारित प्रॉब्लम सारी आर्थिक समस्या थ्रू द क्रॉस क्रूस ऑफ द क्रॉस क्रूस की वजह से जी से शोली छवे ने यशु ने उसे ले लिया हवा और आप मैं

Christ. वो यीशु के सर पर है ग्राउंड ऑफ थोन प्लेस्ट अपॉन द हेड ऑफ जीसस क्राइस्ट वो कांटों से भरा ताज वो मसीह के शरीर और वो कांटे हैं वो इतने गहरे हैं कि उनकी उनकी चुभन ने ने उस यीशु के सर सर को भेद दिया। the lengthy thorns are went inside the entire skull. वो लंबे कांटों उनके उनकी, उनकी की हड्डियों को आर पार छेद दिया। It went inside the वेंट वो शायद उस दिमाग को भी छू रहा है। छूरा आई सब जी

मैं वापस नहीं चाहूंगा ऑल द वेल्स इंटरेस्ट और संसार की हर एक इच्छा ऑल द लस्ट ऑफ द वेल्ड और संसार की हर एक चीजें क्रूसिफाई क्रूस पर है क्रूसिफाई क्रूस पर है आई एम फ्री और अब मैं आजाद हूँ टुडे इज द डे ऑफ फ्रीडम और आज आजादी का दिन है टुडे इज द डे ऑफ विक्ट्री। आज विजय का दिन है थ्रू द क्रॉस क्रूस के जरिए। बिकॉज ऑफ द क्रॉस उस क्रूस की वजह से। न्यू लाइफ आई रिसीव एक नया जीवन मैंने पाया आई ट्रांसफॉर्म इन न्यू क्रिएशन मैं एक नई सृष्टि में बदल गया हूँ

और खतना या खतना रहित जैसी पारंपरिक चीजों पर हमें विचार करने की जरूरत नहीं है सो दैट इज रिमूव ऑन द क्रॉस क्योंकि वो बातें भी क्रूस पर हटा दी जीसस बिकम अवर सर क्योंकि यीशु हमारे लिए खतना बना सो व्हाट काउंट इज वेदर वी हैव बीन ट्रांसफॉर्म इन टू ए न्यू क्रिएशन और क्या बातें हैं जो हमें बताती हैं कि क्या हम यीशु में रूपांतरित हुए हैं? दिस कलेशियन 6:15 फिफ्टीन से गलतियों की पत्री 6:15 कहता है। नाउ वी आर द न्यू क्रिएशन कि अब हम नई सृष्टि हैं। वी आर डाइड फॉर द वर्ल्डली रिचुअल्स एंड द ट्रेडिशनल थिंग्स अकॉर्डिंग टू द लॉ और हम जैसे नियम के अनुसार उन तमाम संसार की पारंपरिक और रवायतों से आजाद हो गए हैं। All the laws in the Old Testament fulfilled in Jesus on the cross. पुराने नियम के हर एक कायर और कानून जो है वो नए नियम में यीशु मसीह में पूरे हो गए बिकॉज ऑफ द क्रॉस उस क्रूस की वजह से नाउ आई मोर और वो पुरानी बातें मुझे अब परेशान नहीं करेंगी सो हाउ यू कैन प्रैक्टिकली अप्लाई दिस न्यू लाइफ इन लाइफ सो आप इस नए जिंदगी को अपने इस जीवन में व्यवहारिक तौर पर कैसे डालेंगे So, you can turn your Bible, Philippians chapter 3. Uh, verse 3 to verse 11. Uh, se Carefully follow this word. Bahut aur ko padhe. So, this word of God making you and uh, a new person, the old person gone, old ways are gone, but the comparison of the old and the new. और जैसा कि वचन बताता है नई जो है वो तो आप नई सृष्टि हो और पुरानी बातें बीत गई है लेकिन नए और पुराने में तुलनात्मकता की जाए तो क्या है सो फिलिपियन चैप्टर थ्री वर्स थ्री ऑनवर्ड्स और फिलिपियो की पत्री अध्याय तीन वचन तीन इस प्रकार कहता है दैल इन ओल्ड लॉ यूज टू से पुराना जो नियम है वो इस प्रकार कहता है we have to be हमारा खतना होना जरूरी है बट दर्स थ्री से लेकिन वचन तीन कहता है थ्रू द क्रॉस उस क्रूज के जरिए बिकॉज ऑफ द क्रॉस और उस क्रूज की वजह नाउ वी आर वर्शिप वर्शिपिंग द लॉर्ड थ्रू द स्पिरिट स्पिरिट ऑफ गॉड अब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा की अगुवाई में करते हैं। थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड हम उस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आराधना करते हैं सो मींस वी आर ट्रूली सरक्रइ इसका मतलब कि हम सच्चे रूप से हमारा खतना हो चुका है। वी आर रिलाई ऑन व्हाट जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी डन फॉर ऑन द क्रॉस हम उस बात पर आश्रित है निर्भर है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कर दिया confidence in our human effort हमें अपने अपने सारी बातों पर किसी भी तरह से विश्वास करने की जरूरत नहीं है So apostle Paul is clarifying this according to his own life और प्रेरित पॉलोस अपने जीवन के बातों के आधार पर इस बात की सत्यता को साबित करते हैं So in the verse 5 वचन पांच he is talking about his old man वो अपने पुराने मनुष्यत्व के बारे में बात कर रहे हैं बिफोर द क्रॉस उस क्रूस से पहले हाउ ही कैसे वो थे सो ही इज गिविंग द द लिस्ट डिटेल्स अबाउट हिज ट्रेडिशनल थिंग्स और वो वहाँ पर एक ब्योरा देते हैं अपने उन पारंपरिक चीजों का जो उन्होंने किया आई सर सी आठवें दिन मेरा खतना हुआ सो आई एम द प्योर ब्लडेड सिटीजन ऑफ इजराइल

चर्च कलीसिया के विरोध में खड़ा होने वाला था सो सच वे ही अबाउट हिज ओल्ड थिंग है और इस तरह से वो अपने जीवन की उन तमाम बातों का जिक्र करते हैं जो उनके पुराने जीवन में उनके साथ हुआ था। so now the verse seven, और आगे वचन सात आई वॉन्ट थॉट दीज थिंग्स आर वैल्यूएबल और वो कहते हैं कि मैंने एक बात सोची कि ये बातें तो मेरे लाभ की थी आई थॉट दिस थिंग्स आर वैल्यूएबल फॉर मी मैंने तो ये सोचा कि ये चीजें मेरी लाभ की थी आई लुफ्ट अपॉन द क्रॉस फिर मैंने उस क्रूस की ओर बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस उस क्रूस की वजह से नाउ आई कंसिडर देम वर्थलेस बिकॉज ऑफ वॉट डन फॉर मी और आप उस क्रूज की वजह से मैं हर उस बात को हानि की समझता हूँ हर उस बात को और वो बातें मेरे लिए मायने रखती है जो यीशु ने मेरे लिए उस क्रूज बस इज द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द क्रॉस और वचन आठ एक बहुत बड़ा बदलाव है उस क्रूज के जरिए यस एवरीथिंग एल्स इज वर्थलेस हाँ बाकी सारी चीजें बेमाने हैं। बेमान है इनफिनिटी वैल्यू ऑफ नोइंग Christ Jesus my Lord. जब मैं यीशु मसीह के उपस्थिति में आता हूँ और परमेश्वर के रूप में उसकी उस अद्भुत उदारता को उसकी उन बातों को समझता हूँ For his sake. उसके अपनी भलाई के लिए I have discarded everything else, counting it all as a garbage, like a waste dung. और मैंने हर उस बात को अपने लिए हानि की समझा जो पहले मेरी जिंदगी में थी और हर एक बात को मैंने छोड़ा क्लियरली वर्ल्ड ऑलरेडी own interest, इंटरेस्ट माई ओन इंटरेस्ट माई ओन बेनिफिट own माई ओन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड एवरी crucified. सांसारिक सोच मेरे संस्कार हर वो बात जो मैंने किए है वो सारी बातें उस क्रूस पर अब है सो दुड गे गेइन क्राइस्ट जिससे की मैं उस ये शु को पा सकू वाइन वचन नौ बिकॉज ऑफ द क्रॉस उस क्रूस के जरिए आई बिकेम वन विद हिम मैं उसके साथ एक हो गया आई नो लॉन्गर काउंट ऑन माय ओन राइचियसनेस थ्रू ओबेइंग द लॉ और मैं अब उस नियम कानून पर चलते हुए अपने स्वयं की धार्मिकता को सिद्ध नहीं करता हूं रादर आई बिकम हूँ थ्रू फेथ इन क्राइस्ट और उस धार्मिकता के साथ जो मसी ये में विश्वास करता हूँ फॉर गॉड्स वे ऑफ मेकिंग एस राइट विद हिमसेल्फ डिपेंड्स ऑन फेथ क्योंकि परमेश्वर की ओर से धार्मिकता को पालेना और उसके हिसाब से धार्मिक हो जाना वो उस विश्वास पर निर्भर करता है सो इन लाइफ ऑल्सो और ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी यूर ओन ओल्ड वेस आपकी वो सारी पुरानी बातें यूर ओन इंटरेस्ट आपकी स्वयं की इच्छाएं दर्ल्ड वेस वो सांसारिक बातें एवरीथिंग शुड बी क्रूसिफाइड टूडे आज वो हर एक बात उस क्रूस पर चली फेस तभी आप उस यीशु को रूबरू देख पाएंगे। आपके हृदय में केवल और केवल एक इच्छा और एक सोच होनी चाहिए थ्रू द फेथ में एंड यीशु को पाने की चाहत होनी चाहिए

ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की

in my life. जो कुछ भी बातें मेरे जीवन में चली आ रही हैं. Through my day to day life. मेरे रोज बर रोज के जीवन में. I will grow, have the more close walk with God. मैं बढ़ूँगा और यीशु के साथ बहुत नजदीकी से चलूँगा. I want to know Christ more. मैं यीशु को और ज़्यादा जानना चाहता हूँ. I want to experience the Holy Spirit power more in my life. मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव और ज़्यादा करना चाहता हूँ. I want to filled with the gifts of the Holy Spirit more and more. मैं पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से और ज्यादा भरना चाहता हूँ पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ द क्रॉस उस क्रॉस की वजह से। माई स्पिरिचुअल लाइफ इज ग्रोइंग

मैं उसकी मृत्यु की समानता को पाना चाहता उसकी मृत्यु में सहभागी होकर. the prayer life against your sinful fight the thoughts. प्रार्थना का जीवन होना चाहिए जो आपके पापमय जीवन के विरोध में खड़ा How you can live a successful life? आप कैसे एक बहुत ही सफल जीवन जी सकते all the time surrounded us. वो पाप से भरी हुई बातें और पाप से भरे हुए सोच हमेशा हमें घेरे रहते हैं हम उसे रोक नहीं सकते इट विल बी वो तो वहां रहेंगे बट वी कैन चेंज अवर सेल्फ लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं आई वॉन्ट टू सफर विद जीसस मैं यीशु के साथ उस दुख को भोगना चाहता हूं हूँ Every day my prayer life. हर दिन क्या मेरा प्रार्थना जीवन? Once I kneel down and close my eyes. एक बार मैं घुटनों पर आऊं और अपनी आँखों को बंद करूं. Jesus will come. वो यीशु आएंगे. I will look upon him. मैं उसकी ओर देखूंगा. The bruise is Jesus. वो वो घाव से भरा हुआ यीशु. The head to toe full of wounds. वो सर से पैर तक वो जख्मों से भरा हुआ यीशु. Full of blood. लहू से भरा हुआ यीशु. I will touch his wound one by one. मैं उसके घाव को एक-एक करके छूऊंगा.

मैं उसके साथ उस दुख को भोगना चाहता हूँ और उसकी मृत्यु में सहभागी होना दिस इज स्पिरिचुअल बैटल ये एक आत्मिक युद्ध है एस आई टोल्ड यू थिंग्स इज जैसा मैंने आपको कहा पाप से भरी हुई बातें तो रहेंगी बट द कंट्रोल इज इन यू लेकिन अधिकार करने की क्षमता द कंट्रोल इज विद यू क्योंकि अधिकार आपके साथ है थ्रू द क्रॉस उस क्रोज के जरिए यू कैन यू कैन इजली ओवरकम ऑल दिनफुल थिंग्स आप बहुत आसानी से हर एक पाप में बातों से निकल सकते हैं इज द डे आज वो दिन है बिकॉज ऑफ द क्रॉस उस क्रूज के जरिए माई ऑल द आर गॉन मेरी सारी पुरानी बातें चली गई हैं। आई विल नॉट गो बैक टू द लाइफ दिन मैं उस पाप से भरे हुए जीवन में फिर वापस नहीं जाऊंगा द क्रॉस इज बिफोर मी वो क्रूज मेरे आगे है आई विल फॉलो द क्रॉस मैं उस क्रूज के साथ चलूंगा द न्यू वे ऑफ लाइफ जीवन को एक नई दिशा देने वाले रास्ते

नो मोर फाइट इंट इवर हो आपके घर में लड़ाई नहीं होंगी हस्बैंड एंड वाइफ नो मोर फाइट पति और पत्नी अब कोई लड़ाई नहीं नो मोर मिस अंडरस्टैंडिंग कोई गलत फहमी नहीं नो मोर वेस्टिंग ऑफ द टाइम अनवॉन्टेडिंग लड़ झगड़ के समय की बेफिजूल बर्बादी नहीं नोट वेस्टिंग ऑफ द टाइम बर्बादी नहीं नो मोर किलिंग कोई हत्या नहीं नो मोर स्टीलिंग कोई चोरी नहीं नो मोर डिस्ट्रॉइंग कोई विनाश की बातें नहीं द किंगडम ब्रसिंग साइडर हो वो स्वर्गीय आशीषे तो आपके घर पे है बिकॉज ऑफ द क्रॉस की वजह से। की मेरी says। क्वेश्चन बताता है द किंगडम ऑफ हेवन इज ऑलरेडी इन यू ओ वो स्वर्ग की जो स्वर्ग का साम्राज्य वो आपके मध्य में है द किंगडम की आशीषे आपके अंदर में है हॉल मई

I want to know more Jesus Christ. और उस क्रूस की वजह से मैं यीशु को और ज़्यादा जानना चाहता हूँ. My spiritual life is going to be grow. मेरा आत्मिक जीवन बढ़ने वाला है. I am going to know Jesus Christ and experience the mighty power, the resurrection power more and more. मैं यीशु मसीह को और जानूँगा और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और ज़्यादा अनुभव करूँगा. I will meditate more about the broken body of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के उस खंडित हो चुके शरीर पर

ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्रॉस इज द सिंबल ऑफ द रेस्टोरक्शन क्रूस जी उठने का प्रतीक है बिकॉज ऑफ द्रॉस उस क्रूज की वजह से आई एम दॉ टेकर ऑफ द रिस्टोरक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं सीह के उन पुनरुत्थित सामर्थ का भागी हुआ नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस फ्रॉम डे और अब मैं पुनरुत्थान की सामर्थ से मुर्दों में से जी उठने की उस बात का अनुभव लेने जा रहा क्रॉस इज द साइन ऑफ द रिसरक्शन क्रूस फिर से जीवित हो उठने का प्रतीक है क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड वो परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाता ऑल द डेडली सिचुएशन इन लाइफ इज गोइंग टू बी रिस के जीवन की हर एक वो व्यवस्था और अवस्था जो मृत प्राय हो चुकी है वो जीवित हो जाएगी व्हाट आर दिंग्स यू आर से और जिन विषयों के विषय में आप कहते हो कि आशा नहीं रही The cross is the beginning of new hope. वो क्रूस उस चीज के लिए नई आशा की शुरुआत है थ्रू द resurrection पावर पुनरुत्थान की थ्रू दक्षर ऑफ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के होली स्परिट इज गोइंग टू कम अपॉन यू और आज वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आएगा क्रॉस इज द of ऑफ गॉड who बिलीव और वो क्रूस सामर्थ्य है परमेश्वर का जो उस पर विश्वास करते हैं। From द क्रॉस उस क्रूस से द mighty power पावर इज गोइंग टू

मैं अपनी सारी बातों को केवल और केवल यीशु यीशु के हाथों में छोड़ता और और मसीह मेरे मेरे आगे चलेंगे। हर एक रास्तों को साफ और चौरस करते जाएंगे और परमेश्वर का वचन मेरे रास्ते के लिए दीपक और मेरे पैरों के लिए उजालाइड माई माइंड मेरे सोच अंदर. होल्ड माई होल्ड थॉट एंड थिंकिंग

में से कितने को वो नया अभिषेक चाहिए अपनी आंखों को बंद नाउ द होली स्पिरिट इज कमिंग अपॉन मी ऑल ऑफ यू ओ वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही है फ्रॉम द क्रॉस ऑल द हेवनली ब्लेसिंग्स आर कमिंग अपॉन यू हर स्वर्ग की आशीष आपके ऊपर है द हेवन ऑलरेडी ओपन वो स्वर्ग खुल चुका है एफिशियंस 1:3 से एफिशियो की पत्री 1:3 वचन कहता है यू आर ब्लेस्ड

are Not yet having the desire to be filled with the gifts of the Holy Spirit. आप में से कितनों के दिल में ये इच्छा है कि पवित्र आत्मा के अभिशेक से भर जाए। There is a good news. एक अच्छी खबर। From through the cross. उस क्रूज के जरिए। Because of that cross. उस क्रूज के जरिए। Because of the cross of Jesus. यीशु मसीह के उस क्रूज के जरिए। All the spiritual blessings are coming upon you. हर एक आत्मिका शीशे आपके ऊपर। Through the Holy Spirit. Oh, पवित्र आत्मा के जरिए। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्� recebe recebe

Naya All the old things are passed away. Baat you are the new creation. Aap ek you can say, I am a new creation today. Aap aaj sakte ki aap All my old ways hai. are gone. Meri new, beginning. new beginning. New beginning. New grace. Naya new anointing. Naya the Holy Spirit is filling you. Receive. करें न्यू लाइविंग यू विल विलीव ओनली फॉर जीसस हियर आफ्टर और आज के बाद आप केवल यीशु के ये नो मोर वेरली सिंस इन योर लाइफ कोई और पाप आपके जीवन में नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन और अब आप एक नई सृष्टि यू विल विलीव फॉर जीसस आप यीशु के लिए बिकॉज़ जीसस ली क्योंकि यीशु जीवित है आई कैन फेस टुमारो ताकि मैं कल का सामना कर सकूं आई कैन फेस टुमारो ताकि मैं कल का सामना कर सकूं थैंक यू लॉर्ड फॉर योर क्रॉस धन्यवाद प्रभु तेरी क्रूस क्रूज यू

प्रार्थना करेगा दैट टाइम फ्रॉम द क्रॉस द पावर ऑफ गॉड विल कम अपॉन योर फैमिली और उस समय परमेश्वर का सामर्थ्य उस क्रूस के जरिए आप पर ऑल द इंपॉसिबल थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल इन योर फैमिली आपके परिवार में हर एक वो बात जो नहीं हो सकती थी वो हो जाएगी नो मोर सिकनेस इन योर फैमिली परिवार में कोई बीमारी नहीं ऑल द प्रॉब्लम्स आर गो गॉन हर एक समस्या चली जाएगी ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी चेंज हर एक आर्थिक समस्या चली जाएगी योर होम इज गोइंग टू बी लाइक अ हेवनली ब्लेस्ड होम आपका घर एक स्वर्गीय आशीष से भरा हुआ घर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्रॉस उस क्रॉस के जरिए यू आर द हेवनली ब्लेसिंग्स नाउ आप स्वर्गीय आशीषों का आनंद उठाएंगे थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग्स धन्यवाद प्रभु आपकी आशीषों के लिए इन जीसस नेम चीस ने यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमेन